Assalamualaikum. Dear students, today we are in the lecture number four of the distributed database management system course. In the previous lecture, these are the topics that we discussed. First of all, we discussed the resembling setups of the distributed database management system, and we studied that. The distributed file system environment where we have files at different machines that are that are networked with each other, that setup will not be called a distributed database system. Similarly, we studied different multi-processor systems or these systems they are networked and they are coupled. They may have tight coupling.

और एक कंप्यूटर के ऊपर हमारे पास डाटा बेस मौजूद है एंड डाटा बेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो वहां परफॉर्म हो रही हैं और हमने ये पढ़ा था कि उस सेटअप को भी हम नहीं कहेंगे कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम एन्वायरमेंट है क्यों डिस्कस हमने की थी कल रीजन इसी तरह फिर हमने डिस्कस किया था कि वाई वी शुड अडोप्ट वाई वी शुड गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस सिस्टम एनवायरमेंट और उसमें जो हमने डिफरेंट रिजन्स डिस्कस की थी पहली उसमें ये थी कि द लोकल पीपल द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दे वांट कंट्रोल ओवर देअर डाटा ऑल द ऑल द सिस्टम ऑल द कम्पोनेट सिस्टम्स दे बिलोंग टू द सेम ऑर्गनाइजेशन बट स्टिल द प्लेस द सिचुएशन वेयर द डाटा इज जनरेटेड तो वहां पर जो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं दे वांट कंट्रोल दे वांट सम कंट्रोल एट लीस्ट ऑन द डाटा सो दिस इज वन रीजन फॉर हैविंग ए डिस्ट्रीब्यूटेडम इन्वायरमेंट फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है वो टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट और जो इसका फेलियर है उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करती है यानी अगर हमारे पास इस तरह की ऑपरेशन में जो कि काफी बड़े एरिया पर फैली हुई है और जिसके यूजर्स जो है एक बड़े एरिया से बहुत से यूजर्स उसको एक्सेस कर रहे हैं उस केस में अगर हम डाटा को अपने सेंट्रलाइज रखते हैं तो उसमें पहली बात यह है कि टेलीकम्युनिकेशन गोस उसके ऊपर आ रही है और दूसरी बात है कि अगर वहां पे कोई फेलियर हो जाती है तो उससे क्या होगा कि हमारा तमाम सिस्टम जो है डेट डाउन। तो ये वो वजह थी कि जिसके बेसिस पे हमने कहा था कि वी शुड गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम एनवायरमेंट आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग के वट आर द प्रोमिस वट आर द गुड थिंग्स दैट द डी डी बी एस टेक्नोलॉजी प्रोमिस विद दस टू प्रोवाइड और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी हमने ये पढ़ा था कि डाटा इंडिपेंडेंस तो एक बेसिक फैक्टर है डैट वी गेट वेन वी अडोप्ट द डाटा बेस्ड अप्रोच ऑफ डाटा प्रोसेसिंग तो चूंकि हमारा सेंट्रलाइज्ड या सिंपल डाटा बेस हमें डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं तो वही चीज हमें डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेसिस में भी मिलती है तो डाटा डाटा इंडिपेंडेंस इज ऑलवेज देयर एक बात फिर दूसरी बात उसमें ये है कि हमें जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें डी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है वो है ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी से मरा यह है कि थिंग्स आर मैनेजड इन सच अ वे दैट यूजर डिज नॉट नीड टू बॉदर अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ द थिंग्स क्योंकि अगर यूजर को एक आम यूजर को उन टेक्निकलिटीज से डील करना पड़ जाए तो शायद लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल ही छोड़ दें क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो इतनी मुख्तफ हैं इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि आम यूजर के लिए एक आम आदमी के लिए उनका जानना शायद मुमकिन ही नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी इज द थिंग इज अ सेकंड मेजर प्रॉमिस इज अ सेकंड मेजर एडवांटेज दैट द डीडीबीएस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स। अब ट्रांसपेरेंसी की डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें से हमने जो पहली बात की थी वो थी कि रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी और रेप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैंने आपसे कहा था कि रेप्लीकेशन और फ्रेगमेंटेशन ये दो मेजर टेक्निक्स हैं ये दो मेजर अप्रोचेस हैं टू इंप्लीमेंट द डीडीबीएस यानी जब हम कहते हैं कि वी वांट टू अडॉप्ट द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस टेक्नोलॉजी एट अ पर्टिकुलर प्लेस तो इधर वी विल अडॉप्ट दर एप्लीकेशन देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन वन और वी विल अडोप्ट द्रेगमेंटेशन अगेन देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन फिर यह भी मुमकिन है ऐसा भी होता है बल्कि कि जहां पे इन दोनों का मर्जर होता है या यानी वी आर अडॉप्टिंग बोथ दिकेशन एंड फ्रेगमेंटेशन एट द सेम टाइम तो रेप्लीकेशन के बारे में हमने ब्रीफली कल डिस्कस किया था कि रेप्लीकेशन मीन्स कि आप सेम डाटा की कॉपी मल्टीपल प्लेसिस के ऊपर रख दें उसका आपको एडवांटेज ये होगा कि एक तो बात यह है कि हर डाटा हर वक्त हर जगह से अवेलेबल होगा इसका मतलब यह है कि आप को तीन टाइप की एक्सेस की बजाय जिसको हमने कहा था कि लोकल हो सकती है रिमोट हो सकती है या वो ग्लोबल हो सकती है इन तीन टाइप की एक्सेस के बजाय रेप्लीकेशन के केस में रेप्लीकेशन से मुराद है कि फुल रेप्लीकेशन फुल रेप्लीकेशन ये है कि तमाम का तमाम डाटा हम डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर कर रहे हैं तो फुल रेप्लीकेशन इन केस में रादर देन हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ यू विल हैव जस्ट ए सिंगल टाइप ऑफ एक्सेस एंड गैस स्विच वन ऑब्वियसली द लोकल क्योंकि तमाम डाटा हर जगह मौजूद है इफ यू गो एनीयर वेन यू ट्राई टू एक्सेस द डाटा यू आर ऑलवेज गेटिंग द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम द नोड

यूजर हैजू मैनेज दर एप्लीकेशन एज वे तमाम जो हैडेक है ये तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट लाइज इधर विद द डी बी एनि डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डी बी एम एस खुद ये फेसिलिटी या ये जो प्रोविजन है प्रोवाइड करेगा और जाहिर है कि जो डी बी एम एस ये आपको प्रोविजन देगा आप उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्योंकि हो सकता है कि जो आपका नॉर्मल डी है वो आपको जो ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेडा की जो मैनेजमेंट है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा तो रेप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिस दैट द डी डी बी एस टेक्नोलॉजी मेक्स विद द यूज आज के लेक्चर में हम Uh, जो डी डी बी एस टेक्नोलॉजी के प्रोमिस हैं उनको फर्दर डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डी डी बी एस की अडोप्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिनके जिनको हमें स्पेशली ट्रीट करना होगा देखना होगा मैनेज करना होगा टैकल करना होगा डी डी बी एस की इन्वायरमेंट में और जो नॉर्मली आपके पास एक सेंट्रलाइज डाटा बेस सिस्टम इन्वायरमेंट है उसमें वो एग्जिस्ट नहीं करते फिर उसके बाद ये के डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट डाटा बेसिस के अंदर वो क्या प्रॉब्लम एरियाज हैं जिस पर के uh, अरसे से रिसर्च हो रही है और आज तक रिसर्च हो रही है और इसमें मजीद रिसर्च की जरूरत है डी टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस को मजीद इंप्रूव करने के लिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे फ्रेगमेंटेशन रेप्लिकेशन से जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि फ्रेगमेंटेशन इज द्ड और वन ऑफ द टू ऑप्शंस और वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स ऑफ द डीडीबीएस टेक्नोलॉजीज अब फ्रेगमेंटेशन का आइडिया ये है कि आप एक टेबल को या आप कहें कि एक फाइल को ब्रेक कर दें और उसको उसके डिफरेंट पार्ट्स को मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर स्टोर कर रहे हैं। यानी रेप्लिकेशन में तो ये हो रहा है जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पूरी की पूरी फाइल जो मल्टीपल प्लेसेस। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में यह हो रहा है कि द होल फाइल इज नॉट बीइंग स्टोर्ड एट मल्टीपल प्लेसेस, या होल डाटा इज नॉट बींग स्टोर्ड बल्कि उस डाटा के डिफरेंट पार्ट किए जा रहे हैं और उन पार्ट्स को यानी मुख्तलिफ पार्ट्स को मुख्तलिफ प्लेसिस पर स्टोर किया जा रहा है मिसाल के तौर पर जैसे हम अगर बैंकिंग के एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उसमें अगर आप देखें कि जैसे हमने कहा था कि हम पांच डिफरेंट ज़ोन्स बना लेते हैं तो हर जोन पे अपने जो एरिया का या अपने जोन का जो डाटा जनरेट हो रहा है क्रिएट हो रहा है वो स्टोर किया जाए इसका मतलब यह हुआ कि अगर फर्ज करें हमारे पास पिंडी में एक आ, हमारे पास डाटा सेंटर है तो उसमें पिंडी के सराउंडिंग जितने सिटीज में जितनी ब्रांचेस हैं वहां पे जितना डाटा जनरेट हो रहा है क्रिएट हो रहा है वो सारे का सारा पिंडी के डाटा बेस सेंटर में स्टोर हो रहा है अब बात ये है कि चूंकि ऑल दिस डाटा इट बिलोंग्स टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन और वो ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन कर रही है अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस थ्रू आउट द कंट्री वो जाहिर है कि सेम बिजनेस रूल्स के तहत परफॉर्म कर रही है यानी जो रूल किसी एक बैंक की किसी एक ब्रांच में इलट से पिंडी में एप्लीकेबल है वही रूल जाहिर है कि लाहौर की लालामूसा की जेहलम की मुल्तान की या कराची की, की ब्रांच में होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सेम है फंक्शनिंग सेम है चुनाचे इसके लिए जो डाटा स्टोर हो रहा है और जो उस पर ऑपरेशन हो रहे हैं तमाम जगहों पर वो सब सेम है इसका मतलब यह हुआ कि कस्टमर्स या क्लाइंट्स के बारे में जो डाटा पिंडी की ब्रांचेस में स्टोर हो रहा है वही डाटा लाहौर में स्टोर हो रहा होगा या चाहिए होगा वही डाटा आपको बैठ से मुल्तान में वही डाटा हमने कहा सादिकाबाद में या कराची में और उसका एक सिंपल सा प्रूफ यह भी है कि आप अगर किसी भी बैंक में किसी खास बैंक के अंदर आप जाए और अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहें तो आप देखेंगे कि वो जो फॉर्म आपका आपको देंगे आपक वो वही होगा जो कि आपको कहीं से भी मिलेगा इसका क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक फॉर्म अगर पिंडी से लें तो वो किसी और नेचर का होगा और अगर आप मुल्तान से या लड़ से भावलपुर से या ठट्ठा से या हैदराबाद से लें तो वो डिफरेंट होगा नहीं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सेम है इसलिए जो फॉर्म आपको वो देंगे वो बिल्कुल एक जैसा होगा इसका मतलब ये होगा कि जो डाटा जो प्रोसेस जो एक्टिविटी अकाउंट ओपन करने के लिए किसी एक ब्रांच में चाहिए और तमाम ब्रांचेस में वही होगी क्यों क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सेम है हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर आपका बैंक चेंज हो जाए तो उस केस में देअ माइट भी माइनर और मे बी सम मेजर डिफ्रेंसेज हो सकते हैं बिकॉज नाउ ऑर्गेनाइजेशन इज सेम इसट लेकिन जाहिर है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर फर्क होगा भी सही तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो सकता लेकिन अगर हो भी सही तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बैंक के अंदर वो डिफरेंट नहीं हो सकते इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर डाटा का आपको चाहिए किसी एक लोकेशन पे वही स्ट्रक्चर आपको बाकी तमाम लोकेशन में चाहिए होगा इसका मतलब ये है कि जो डाटा आप स्टोर करेंगे अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस वो बिल्कुल सेम होगा जब सेम होगा तो अब आप यह कर रहे हैं कि सेम डाटा को आप डिवाइड कर रहे हैं उसको ब्रेक कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स में और आपने डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट पार्ट्स स्टोर कर दिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पांच सेंटर्स हैं तो पांचों में आपने जब ये डाटा स्टोर किया तो उससे एक ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि बेसिकली आपने एक फाइल को या एक डाटा को या एक टेबल को ब्रेक कर दिया है इन डिफरेंट पार्ट एन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स दिस थिंग इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन अब जाहिर है कि फ्रेगमेंटेशन और रेप्लीकेशन के अपने रिलेटिव मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं जो कि हम जब इनको प्रॉपरली पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे लेकिन फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन से यानी एक चीज तो आपको ये फॉरन पता चल जानी चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन का ये रूल uh, है या ये उसका यह कॉन्सेप्ट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम द एक्सेस टू डाटा आर फ्रॉम द लोकल यूजर्स यानी इसका मतलब यह है कि जब एक जगह से आप एक साइड से डाटा एक्सेस कर रहे हैं तो जितनी एक्सेस आपकी हो रही हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ टाइम लाइक मे बी नाइन्टी परसेंट के करीब जो है वो एक्सेस वो लोकल हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप अगर लाहौर के डाटा बेस सेंटर को देखें तो यहां से जितनी एक्सेस हो रही हैं उनमें से ज्यादातर जो है वो वही हैं जो कि लाहौर के सेंटर के अंदर ही स्टोर्ड है हाँ 10 परसेंट ऐसी हो सकती है कि जो लाहौर से एक्सेस तो हो रही है लेकिन वो एक्सेस हो रही है लट से कराची का जो फ्रेगमेंट uh, है उसमें से या लट से कि जो पिंडी का फ्रेगमेंट है उसमें से तो चूंकि मैक्सिमम आपकी जो एक्सेस है दे आर फ्रॉम द लोकल डाटा दैट इज वाई फ्रेगमेंटेशन इज ए सुटेबल आल्टरनेटिव हेयर कि आप बजाय इसके कि तमाम डाटा की पूरी पूरी कॉपी स्टोर करें उसके बजाय आप ये करेंगे कि आप हर एरिया का या हर जो साइट है उससे रेलिवेंट जो डाटा है वो उसको वहां स्टोर करें यानी आप सेम डाटा को स्प्लिट कर दें जोग्राफिकली एरिया वाइज आप उनको डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर कर दें हाँ लेकिन यह जरूर है कि के इस केस में आप आपके पास यू हैव ऑल थ्री टाइप ऑफ एक्सेस यानी अब आपके पास लोकल एक्सेस भी होंगी एंड दैट यू हैव डिस्कस के मोस्ट ऑफ यूर एक्सेज विल भी लोकल लेकिन इस सिचुएशन में आपके पास रिमोट और ग्लोबल एक्सेस भी होंगी जबकि हम ये बात रेप्लीकेशन में पढ़ चुके थे कि जब आप एप्लीकेशन को अडॉप्ट करते हैं तो उस केस में आपके पास हमेशा लोकल एक्सेस होती है लेकिन जाहिर है कि यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट और वो प्राइस क्या होगी वो हम बाद भी डिस्कस करेंगे हाँ रेप्लीकेशन के बारे में अलबत्ता एक बात मैंने कही थी कि इफ ए पर्टिकुलर साइट फेल्स यानी वहां पे आपका रबता एक साइट से खत्म हो जाता है तो रेप्लीकेशन का एडवांटेज यह है कि उस साइट की रिक्वेस्ट को आप राउट कर सकते हैं डिफरेंट साइट के ऊपर इसका मतलब है कि डाटा की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी रेप्लीकेशन केस में फ्रेगमेंटेशन केस में यह होगा कि जब आप फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं और कोई एक साइट डाउन हो जाती है तो उससे यह होगा कि आपकी जो वो साइट है नो दैट साइट इज इनएक्सेबल तो लेकिन जो बाकी साइट है वो ऑपरेशनल है और इसका मतलब यह कि वहां का डाटा अवेलेबल है और वो काम कर रहा है लेकिन जो साइट फेल हो गई है उस साइट का डाटा जाहिर है ना तो लोकल यूजर्स को अवेलेबल है और ना ही रिमोट ग्लोबल एक्सेस के लिए अवेलेबल है क्योंकि वो साइट ही जहरा के डाउन हो चुकी है और दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन ब्रीफली एंड वेनवी से के डीडीबीएस टेक्नोलॉजी प्रोमिस टू प्रोवाइड फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी इसका मतलब यह है कि ऑफ़ फ्रेगमेंटेशन विल बी हिडन फ्रॉम द एंड यूजर यूजर विल हैव नो आइडिया दैट द डाटा इज स्टोर्ड लोकली और इट इज स्टोर्ड रिमोटली या डाटा जो है वो कहां से एक्सेस हो रहा है आया ये एक्सेस जो है वो लोकल है रिमोट है या के ये ग्लोबल है ऑल दीस टेक्निकलिटीज दे आर कवर्ड दे आर हैंडल्ड बाय इधर द डीबीए किसी हद तक जिस वक्त आप सिस्टम डिवेलप कर रहे हैं तो डिजाइनर और डी बी ए ये लोग इन्वॉल्व हैं उस चीज को हैंडल करने में बट वंस इट इज इंप्लीमेंटेड टेन मैक्सिमम ऑफ इट इज मैनेज बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम वो इस चीज को कवर करता है एंड यूजर हैव नो आइडिया अबाउट द फ्रेगमेंटेशन और एप्लीकेशन वो एवर आई होप कि आपको फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी का कुछ अंदाजा हो गया होगा इसकी जो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग uh, है आपको उस वक्त होगी जब हम फ्रेगमेंटेशन को इंप्लीमेंट करेंगे हैविंग ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम वेयर वी हैव गॉट ऑल द लग्जरीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड बेस सिस्टम और हैविंग नो कंसर्न अबाउट द टेक्निकलिटीज

एज ए डाटा बेस प्रोफेशनल आप एंड यूजर से मुख्तलिफ हैं एंड यूजर तो वो है कि जिसके लिए आप एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं चाहे वो सेंट्रलाइज है क्लैंट सर्वर है या कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको एज ए डिजाइनर तो सब चीजें पता है कि सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज ए वेदर इट इज फ्रेगमेंटेड है या डेप्लीकेटेड है वॉट ये आपको पता है क्योंकि आपने इसको इंप्लीमेंट किया है हाँ, जिसके लिए आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया द एंड यूजर उसको इन चीजों का बिल्कुल भी पता नहीं है इसलिए आप आ, ये यह सोचिएगा कि आपको एज ए डिवेलपर या डिजाइनर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉन्सेप्ट है उसे डील नहीं करना पड़ेगा करना पड़ेगा बट दैट इज योर जॉब टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी टू द एंड यूजर अब सवाल यह पैदा होता है कि ट्रांसपेरेंसी इज वेरी स्वीट थिंग लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक डीडीबीएस डी में वो तीन चीजों के ऊपर आती है तीन डिफरेंट uh, कह सकते हैं कि आप कंपोनेंट्स uh, हैं या चीज़ें हैं जो के ट्रांसपेरेंटी ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती हैं उनमें से सबसे पहले जो चीज़ है वो है लैंग्वेज या कंपाइलर यानि जिस चीज को आप इस्तेमाल करते हुए अपनी जो एप्लीकेशन को डिवेलप कर रहे हैं

या आप डिफरेंट तरह के डाटा बेसिस को एक्सेस करना चाहें तो उन, उन तरीका कार में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो बल्कि डिफरेंस हो ही ना आप किसी भी डाटा बेस को एक्सेस करना चाहें उसका इंटरफेस बनाना चाहें तो सेम जो अप्रोच है सेम तरीका वो इस्तेमाल हो तो इससे एक इसका आपको फायदा ये है कि आप इस चीज से आजाद हो जाते हैं एज ए डिवेल्पर या प्रोग्रामर कि आपने कनेक्टिविटी डिफरेंट जो डाटा है उनसे कैसे करनी है तो, ये तो एक फॉर्म है ट्रांसपेरेंसी की डैट द लैंग्वेज और द कंपाइलर द फ्रंट एंड टूल आपको प्रोवाइड करता है दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम डियर स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल जाहिर है कि कंप्यूटर के, के इस्तेमाल में बहुत अहम है और ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करने में भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट एक आइटम है एक कंपोनेंट है क्यों इसलिए आम कंप्यूटर इतना उस आज के दौर में जो एक कंप्यूटर जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें इतनी टेक्निकलिटीज वो इन्वॉल्व है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको एक्चुअल लेवल पे जाके यूज करना आम यूजर के लिए इंतहा मुश्किल है तो चुनाचे ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज है कि जो कि आपके हार्डवेयर के ऊपर रिजाइड करता है बैठता है लोड होता है और आपको जो पिक्चर प्रेजेंट करता है कंप्यूटर की वो बहुत सिंपल है दैट इज अंडरस्टैंडेबल दैट इज कंसीवेबल इवन फॉर अ कॉमन पर्सन जिसको के हो सकता है कि मतलब टोटली चाहे वो अनएजुकेटेड भी हो अगर थोड़ी सी भी एफर्ट करे तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है ये जो आसानी है एक कंप्यूटर की या उसकी सिंप्लिसिटी जो है दैट इज बींग क्रिएटेड दैट इज बींग जनरेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम सेम अपलाईज हियर इन दी डी डी बी एस एनवायरमेंट एज वेल कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वह आपको डिफरेंट तरह की ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है मिसाल के तौर तो पर बाज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी से मुराद ये है कि जो नेटवर्क को मैनेज करने की जो टेक्निकलिटीज हैं जो कमांड्स हैं इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स होते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से मैनेज करता है और यूजर के लिए इवन डेवलपर्स के लिए उसको बहुत आसान करता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है उसको जो डेवलपर या जो डिजाइनर या डीबीए है वो तो किसी हद तक इस्तेमाल करते ही है लेकिन उनका जो एक्चुअल यूजेज है दैट इज डन बाय द डीबीएमएस क्योंकि हमने कहा था कि एक्चुअल कंप्यूटर के ऊपर जो चीज रिजाइड कर रही है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम और जो आपका डीबीएमएस है दैट लाइज ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मतलब यह है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर की टेक्निकलिटीज को सिंपल करके प्रेजेंट करता है डीबीएमएस को फिर डीबीएमएस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निकलिटीज को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर की पिक्चर उससे भी सादा करके जो डेवलपर है उसके सामने प्रेजेंट करता है और डेवलपर और डिजाइनर डीबीएमएस की फंक्शनलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो एंड यूजर है उसके लिए कंप्यूटर की या उस सिस्टम की और भी सिंपल एक पिक्चर जो प्रेजेंट करता है तो जो थर्ड लेयर है हमारे पास जो कि ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है दैट इज द डीबीएमएस अब मिसाल के तौर पर जो डीबीएमएस हमें प्रोवाइड करता है ट्रांसपेरेंसी उसमें से बिलखसूस जो फ्रेगमेंटेशन की और एप्लीकेशन की जो ट्रांसपेरेंसी है वो ये प्रोवाइड करता है इसका मतलब ये हुआ कि जो आप को डिफरेंट टाइप की ट्रांसपेरेंसीज अवेलेबल हैं एक टी टेक्नोलॉजी में तो हमें कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है लैंग्वेज कंपाइलर और दूसरी बात है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरे नंबर पर डी अब प्रैक्टिकली होता क्या है प्रैक्टिकली ये होता है कि हमें हमें से मुरादा है कि जो डिजाइनर डेवलपर या एंड यूजर इन दोनों को जो ट्रांसपेरेंसीज अवेलेबल हैं जो सिस्टम अवेलेबल है उसमें कुछ ना कुछ रोल तीनों लेयर्स का है या तीनों कंपोनेंट्स का है और तीनों मिलकर ये तमाम किस्म की ट्रांसपेरेंसीज प्रोवाइड करते हैं और जिससे एडवांटेज होता है यूजर को चाहे वो डिजाइनर डेवलपर हो या वो आपका एंड यूजर हो कि उनको जो एक सिस्टम की पिक्चर है वो बहुत सिंपल नजर आती है इसमें अलबत् एक चीज का आप देखिएगा कि जो लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वो डिपेंड करती है कि फिर उसकी कॉस्ट या उस पर कितनी आनी है यानी आप जू जू, जू चाहेंगे कि सिस्टम आपका कि आपकी इन्वायरमेंट जो है उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं डिफिकल्टीज हैं वो ट्रांसपेरेंट होती रहे यूजर से इसका मतलब है कि आपको उसकी जो कॉस्ट पे करनी होगी या जो उसके लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट करनी पड़ेगी वो उतनी बढ़ती चली जाएगी तो देर इज ऑलवेज अ कम्प्रोमाइज तक आप चाहेंगे कि यहां तक हम ट्रांसपेरेंसी इसमें इंक्लूड करें ऐड करें और यहां तक आप कहेंगे ठीक है इतनी टेक्निकलिटीज जो है वो लेट लेटेस्ट हैंडल और इतना हम उसको ट्रांसपेरेंट ना करें बिकॉज देर ऑलवेज अ कॉस्ट टू ए प्राइस टू पे आप देखिए कि आपको डायग्राम में डिफरेंट आपको लेयर्स नजर आ रही हैं ट्रांसपेरेंसी की इस आप देखें कि, कि सबसे नीचे या, या बॉटम मोस्ट लेयर पे आपको डाटा नजर आ रहा है और डाटा के ऊपर जो आपको ट्रांसपेरेंसी मिल रही है वो है डाटा इंडिपेंडेंस जिसको हमने डिस्कस किया था कि वो जो कि आपको डाटा बेस अप्रोच प्रोवाइड करती है इसकी दो टाइप्स हैं लॉजिकल और फिजिकल उसके बाद आपके पास है नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी और ये वो ट्रांसपेरेंसी है कि जिससे आप नेटवर्क की एग्जिस्टेंस से यूजर हैज नथिंग टू डू विद जो नेटवर्क की एग्जिस्टेंस है और दिस इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर अगर आप देखें तो वो रेप्लिकेशन और फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी है एंड ऑब्वियसली दिस इज सपोर्टेड दिस इज प्रोवाइडेड बाय द डी और इससे ऊपर एक यूनिफॉर्म इंटरफेस की जो ट्रांसपेरेंसी है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज और आप को इस डायग्राम से भी अंदाजा हो रहा होगा कि जो एंड यूजर है वो इन तमाम ट्रांसपेरेंसीज का बेनिफिट लेता है और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट उसको यही है कि द यूज ऑफ सिस्टम बिकम्स वेरी सिंपल फॉर द एंड यूजर अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि डी के अंदर या डिस्ट्रीब्यूटेड डाटावे सिस्टम के अंदर जो रिलायबिलिटी है उसके डिफरेंट इश्यूज है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं िटी सब राज ये है कि आपका सिस्टम जो है वो कितना डिपेंडेबल है और वो इन जो उसमें डाटा जिसपे इंफॉर्मेशन है उस पे आप किस हद तक ट्रस्ट लें या अगर उसमें कोई उसमें कोई फेलियर आ जाए उसमें कोई उसमें ब्रेक आ जाए तो उसको रिकवर करने में के लिए सिस्टम में कितनी कैपेसिटी है दिस इज वॉट देर लाइबिलिटी इज अब पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं कि एक लिहाज से जो डीडीबीएस डी, 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 है वो आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन अब ट्रांजैक्शन का एक लफ्ज ऐसा कि जो हम इस कोर्स में पहली दफा इस्तेमाल कर रहे हैं अगरचे आप जो डाटा बेस का पहला कोर्स है उसमें ट्रांजेक्शन का लफ्ज सुन चुके हैं इसको इस्तेमाल कर चुके हैं ट्रांजेक्शन इज बेसिकली ए सिंगल यूनिट ऑफ वर्क राधर ए लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क क्योंकि किसी भी इदारे के अंदर किसी भी सिस्टम में एक यूनिट ऑफ वर्क जिसे आप कहते हैं दैट इज ए ट्रांजैक्शन और जाहिर है कि ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है इट वेरीज फ्रॉम द सिस्टम टू सिस्टम यानी आपका जो एडमिशन सिस्टम है उसमें ट्रांजैक्शन कुछ और होगी आपका जो पेरो uh, सिस्टम है उसमें ट्रांजेक्शन कॉन्सेप्ट कुछ और होगा अगर आप uh, बैकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर ट्रांजेक्शन कुछ और होगी अनलाइक दैट तो अब चूंकि आपके पास जो डी डी बी एस एन्वायरमेंट है उसमें आपने ट्रांजेक्शंस को जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है चाहे वहां पे आपने रेप्लीकेशन अडॉप्ट की हुई है चाहे आपने फ्रेगमेंटेशन की हुई है इन एनी केस मल्टीपल साइट्स आर इन्वॉल्व जब मल्टीपल साइट्स इन्वॉल्व हो गई इसका मतलब यह है कि जो सिंगल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन है वो अब आपके सिस्टम में नहीं है जब वो नहीं है उसका एडवांटेज यह है कि फौरन यह है कि आपको रिलायबिलिटी सिस्टम में मिल जाती है सिस्टम बिकम्स मोर रिलायबल क्यों? इसलिए कि अगर ये सेंट्रलाइज्ड होता सिंगल पॉइंट होता तो जैसे ही वो फेल हुआ अंटायर सिस्टम गोस डाउन लेकिन अब चुके डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट के अंदर आपके पास जो ट्रांजेक्शन है

आपको मुख्तलिफी इसमें लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा लेकिन साथ ये है कि जब आप इसमें यह देखिए कि जब आप उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस केस में जब आप रेप्लीकेशन करते हैं तो अगर कंक्रेटली एक्सेस हो रही है तो साथ ही उसमें जो कंक्रेंसी कंट्रोल के इशूज हैं वो उसमें आ जाएंगे दैट केयर ऑफ इसके अलावा जब आपके पास अगर एप्लीकेशन हो रही है डाटा यहां भी स्टोर है यहां भी स्टोर है लेट से ये साइट जो है उस पर आप की साइट आपकी डाउन हो गई है ये साइट आपकी अप है यहां पे अब तमाम ट्रांजैक्शंस जो हैं, वो इस तरफ जो है ना अब हो गई है अब जिस वक्त ये साइट अप होगीव टू तो तो बी केयरफुल के जिस टाइम के दौरान ये साइड डाउन थी उस दौरान यहां पर जितने भी ट्रांजेक्शन हुई है जितने ऑपरेशन हुए हैं क्ट ओवर हियर ताकि दोनों दोबारा से एक, एक लेवल पे आ जाए और ताकि दोनों दोबारा से इंडिपेंडेंटली काम कर सके तो ऑल दो रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो है हमारे पास लेकिन आपको इन चीजों को भी टेक केयर करना होगा इसके अलावा जो डी डी बी एस के अंदर आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलती है डाटा लोकलाइजेशन और क्यूरी पेरालिज्म से डाटा लोकलाइजेशन को तो हम डिस्कस कर चुके हुए कि जाहिर है कि आप एक कॉन्सेप्ट है कि डाटा को आप वहां स्टोर करें डाटा को आप उस जगह से करीब तरीन स्टोर करें जहां पर के उसकी एक्सेस हो रही है और यह हम बात देख चुके हैं कि चूंकि मैक्मम नंबर ऑफ टाइम जो आपकी एक्सेस होती हैं वो लोकल होती है, है। इसलिए चूंकि आपने डाटा लोकलाइजेशन के जरिए आपने अपने जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर लिया है क्यों क्योंकि मैक्मम जबकि ट्रांजेक्शन लोकल हो रही हैं तो तमाम ट्रांजेक्शन को डाटा लोकली अवेलेबल है तो इस लिहाज से उनके लिए एक्सेस जो प्रॉब्लम नहीं है वो एक्सेस इज एफिशिएंट तो इस लिहाज से आपकी परफॉर्मेंस जो इंप्रूव कर रही है दूसरा कॉन्सेप्ट है पैरल क्यूरी एक्सिक्यूशन का अब डीडीबीएस डी के अंदर क्यूरीज हैं वो दो तरह से पैरल एक्जीक्यूट हो सकती है एक है इंटर क्यूरी एक है इंट्रा क्यूरी इंटर क्यूरी से ये है कि आप को मल्टीपल क्यूरीज हैं आपकी डेट रिलेट टिट साइट्स तो आप एट द सेम टाइम डिफरेंट साइट पर क्यूरी को एक्सीक्यूट करके तो आप ओवरऑल एफिशियंसी गेन कर सकते हैं मिसाल के तौर तो पर अगर हम बैंकिंग एग्जाम्पल लें तो अगर वो जो आपका हेड ऑफिस है वो ये जाना जाता है कि लाहौर में या लाहौर जोन में कितने लोग जो है वो एक लाख से ज्यादा जिन्होंने जक़ात दी है एक बात और साथ ही वो ये जानना चाहते हैं कि पिंडी जोन के अंदर कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो के लेट्स से के मास्टर्स क्वालिफाइड हैं दोबारा हम जानना चाहते हैं कि लाहौर में कितने लोग हैं जो के जक़ात एक लाख से ज्यादा कटी और पिंडी में कितने ऐसे हमारे कस्टमर्स हैं जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स है क्योंकि आपका जो बैंक का फॉर्म है उसमें क्वालिफिकेशन का भी एक एंट्री है अब ये दो डिफरेंट क्यूरीज हैं अगर हमारे पास ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता तो ये दोनों क्यूरीज एक दूसरे के बाद एक्सीक्यूट होती लेकिन अब चूंकि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा की तो ये दोनों क्यूरीज एट द सेम टाइम इन पैरेलल एक्सीक्यूट कर सकती हैं एक लाहौर में एक पिंडी में तो इसलिए आपसे से आपकी जो एफिशेंसी है वो इम्प्रूव करती है यानी कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है दूसरा जो एक, इसका एक बहुत एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है वो है इंट्रा क्यूरी पैरालिज्म का वो ये है कि आप देखें कि फर्श करें कि हमारे जो हेड ऑफिस है वो ये जानना चाहता है कि हमारे कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका जो बैलेंस है वो एक करोड़ से ज्यादा है अब जहरा जैसे मैं आपसे कहा था कि डाटा हमारा जो है वह पांच जगह पर अगर फ्रेगमेंटेड है तो जहरा कि किसी भी ब्रांच में ऐसा ऐसे क्लाइंट हो सकते हैं ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं कि जो के जिनका बैलेंस वे करोड़ से ज्यादा होगा अब ये सिंगल क्यूरी है एक क्यूरी है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होगी पांच कंप्यूटर्स के ऊपर पांच सिस्टम्स के ऊपर देखें अब दो बातें ऐसी हो गई पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम ना होती तो यह क्यूरी डेफिनेटली एक कंप्यूटर के ऊपर आनी थी अब होगा ये फर्ज करें कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में कोई एक बैंक है और उसके लट से 20 लाख कस्टमर हैं अगर ये बैंक अपने पास सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रखता तो क्या होता कि ये 20 लाख के 20 लाख जो रिकॉर्ड थे वो तमाम के तमाम एक कंप्यूटर के ऊपर पड़े हुए हैं अब हम अगर ये क्यूरी चाहिए कि कितने कस्टमर्स का बैलेंस एक करोड़ से ज्यादा है तो वो क्यूरी उस एक कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट होगी और 20 लाख रिकॉर्ड्स के ऊपर एग्जीक्यूट होगी और जाहिर है कि क्यूरी जो टाइम लेती है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना है जाहिर है कि अगर आपके पास ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो उसकी प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम लगेगा अगर कम रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें कम टाइम लगेगा अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड अब आपके जो कस्टमर्स तो वही बीस लाख है लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट फाइव डिफरेंट प्लेसेस और अगर फर्ज ये अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी हैं तो हो सकता है जगह पे छह लाख हैं किसी जगह तीन हैं तो किसी जगह चार हैं किसी जगह पांच हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए लेकिन अब आप देखें क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए जो उनमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का भी ख्याल रखेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करेंगे कि साइट बहुत ज्यादा अनबैलेंस ना हो जाए इसलिए अगर डिफरेंस होगा तो इतना ही डिफरेंस होगा कि अगर एक साइट पे मैक्सिम अगर छह लाख रिकॉर्ड है टोटल 20 लाख में से तो दूसरी पे जो है वो हो सकता है चार हो या साढ़े तीन हो या साढ़े चार हो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कुल तो 20, 20 लाख रिकॉर्ड है आप डिस्ट्रीब्यूशन यूं करें कि एक पे तो 19 लाख आ जाए और बाकी चार के ऊपर 25 पच्चीस हजार बल इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन है गलत है और वह फायदे से ज्यादा नुकसान देगी तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर आपके पास सटा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अब आपकी ये क्यूरी के कितने कस्टमर्स के पास एक करोड़ से ज्यादा का बैलेंस है अब यह क्यूरी पांच साइड्स पे जाएगी पांच साइड पे जाएगी और दूसरी बात इसकी यह है कि वो कम नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर प्रोसेस कर रही है अगर हम ये सपोज कर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड किसी एक साइड पे छह लाख हैं और मिनिमम जो है फर्ज के साढ़े लाख है और बाकी साइड के दरमियान चल रही है तो आप देखिए सेंट्रलाइज सेटअप सेट में आपका आपकी क्यूरी एक जगह पे जा रही है और वो 20 लाख रिकॉर्ड्स के ऊपर एक्सीक्यूट हो रही है जबकि जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वही क्यूरी इन पैरेलल पांच मशीन्स के ऊपर एक्सीक्यूट हो रही है और जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट ए क्यूरी एट ए पर्टिकुलर साइट हैजू मैनेज हैज सी इज सिक्स तो आप ये फॉरन जाहिर है कि ये सोच सकते हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड में ऑलमोस्ट फोर टाइम्स का डिफरेंस है तो आपकी क्यूरी जो है वो ऑटोमेटिकली so तो गेट्सिज्म क्यूरी स्प्रेड हुई पांच पे, से डाटा आपको रिसीव हुआ आपने मर्च किया और प्रेजेंट कर दिया और फिर वही बात आया कि ट्रांसपेरेंसी की ब्यूटी यह है कि जो यूजर इसको एक्सेस कर रहा है उसको इस चीज का आइडिया भी नहीं है कि वाद क्यूरी वॉज एक्सिक्यूटिड सिंगल साइड और द मल्टीपल साइड लेकिन सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड में जो मेजर डिफरेंस फील होगा दैट विल बी ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट देर आर सर्टन फैक्टर्स दैट मेक द डीडीवीएस टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीकेटेड और उनमें से जैसा पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इन केस ऑफ रेप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज दी अप्रोप्रिएट कॉपी यानी जिस वक्त आपने रेप्लीकेशन की हुई है और आपके पास डिफरेंट uh, साइट पे एक्जेक्टली exactly, तमाम का तमाम डाटा कॉपी है अब आपके पास अगर एक यूजर की रिक्वेस्ट आ रही है तो इसमें एक टेक्निकल डिसीजन यह है कि आपको इस रिक्वेस्ट को किस कॉपी की तरफ भेजना चाहिए यानी इस पर एक सिंपल तो रूल ये हो सकता है कि आप जिस साइट से कनेक्टेड हैं, जो आपकी नजदीक तरीन साइट है उससे कर लें लेकिन अगर आप इसको इतना सिंपल रखेंगे तो हो सकता है कि ओवरऑल आपको जो परफॉर्मेंस है उसमें उतनी एफिशन्स आपकी एफिशिएंसी ना रहे क्यों? क्यों हो सकता है कि बाज मौके पे, किसी खास मौके पे आपकी जो लोकल साइट है वो हैविली ओवरलोडेड है लेकिन जो दूसरी रिमोट साइट है वो उस पर कम इस वक्त जो है बर्डन है तो उस केस में बेहतर ये हो सकता है कि आप बजाय ऑल कि आप की लोकल साइट कोई और है लेकिन जब आप रिक्वेस्ट करें तो आपकी आपकी रिक्वेस्ट को रूट कर दिया जाए किसी दूसरी साइट के ऊपर तो ये बहरहाल रेप्लीकेशन केस में आपको ये डिसाइड करना इसके, इसके लिए कुछ आपको एफर्ट कुछ लॉजिक चाहिए होगी कि आपको एक रिक्वेस्ट को किस कॉपी से किस रेप्लिका सेटिस्फाई करना चाहिए इसी तरह फेलियर रिकवरी है कि जब आपके पास मल्टीपल कॉपीज हैं और में से कोई एक कॉपी जो है वो लड़से के थोड़े लड़से के लिए डाउन हो जाती है दोबारा अप होगी तो आपको दोनों में आपस में अगेंस्टेशन उनकी लाजमी है तो ये भी एक फैक्टर है जो डेट यू है इसके अलावा यह है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल यानी जाहिर है कि जो सेटअप है ये कॉम्प्लेक्स है आप, इस not, इस कि आप सिंपल के आपने अगर सेंट्रलाइज्ड है तो एक ही जगह पे तमाम रिक्वेस्ट आ रही हैं बल्कि आप क्या है कि आपके पास रेप्लीकेशन केस में आपको एक अप्रोपरेट कॉपी पे अपना रिक्वेस्ट भेजनी है और फ्रेगमेंटेशन केस में यू हैव टू डिसाइड कि वेदर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट इज लोकल रिमोट और ग्लोबल तो ये इसमें कम्पलेक्सिटी का फैक्टर आ गया फिर इसमें दूसरी बात है कॉस्ट की जाहिर इसमें जो कॉस्ट है वो इन्वॉल्व है पहली बात तो ये है कि आपका जो हार्डवेयर है वही आपका जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है रिपीट हो रहा है अगर आपका पास मल्टीपल साइट है तो जाहिर है कि हर साइट के ऊपर आपको हार्डवेयर चाहिए ठीक है जब आपको हार्डवेयर चाहिए दैट इन्वॉल्व कॉस्ट फिर दूसरी बात इसमें यह है कि आपको ना सिर्फ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेन पर्सनल एज वेल क्योंकि जाहिर है कि जब आप एक जगह पर डाटा बेस क्रिएट कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं तो वहां पर आपको वो लोग भी चाहिए होंगे कि जो उसको मैनेज कर रहे हैं ठीक है तो आपको ट्रेन स्टाफ हर साइड के ऊपर चाहिए हर साइड पर चाहिए दैट इन्वॉल्व कॉस्ट उसके बाद आप देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल है यह भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्यों हमने कहा था कि वन ऑफ द रीजन्स टू हैव ए डिस्ट्रीब्यूटेड एन्वायरमेंट इज के लोकल पीपल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दे वांट कंट्रोल ओवर देयर डाटा बट माइंड इट यू हैव टू यूज दिस लिबर्टी दिस राइट वेरी केयरफुली क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपरली यूज नहीं करते या इस पर प्रॉपर चेक इम्पोज नहीं करते तो दैट कैन दैट कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम क्यों मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लिबर्टी देते हैं उनको हम राइट देते हैं एंड लेटर से दे आर गिवन द राइट टू डिसाइड अबाउट द हार्डवेयर अब हो सकता है वो अगर इस राइट right को ओपनली इस्तेमाल कर लें तो ऐसा हार्डवेयर परचेज कर लें कि जो बाकी साइट के साथ कंपेटेबल ही नहीं है या कंपेटेबिलिटी पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सी इसी तरह आपने आपने, आ, आ, आपने लोकल साइट्स को ये राइट दे दिया कि वो सिस्टम को अपनी मर्जी से ऑन एंड ऑफ करें या शट डाउन अपनी मर्जी से करें तो इसमें क्या होगा इसमें भी प्रॉब्लम है क्या कि वो कोई जो आपकी साइट है वो जल्दी सिस्टम को ऑन या ऑफ कर रही है आ, कोई साइट है वो सर्विस के लिए सिस्टम को हफ्ते में दो दफा ऑफ कर रही है कोई महीने में एक दफा कर रही है तो इससे प्रॉब्लम यह होगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपका कस्टमर कहेगा मुझे पता नहीं चलता कि आपका सिस्टम जो है कब अप है कब डाउन है कब वो क्या करेगा इसका मतलब यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल है ऑल दिस इज अ गुड थिंग इट अ पॉजिटिव थिंग एक लिहाज से लेकिन आपको इसका केयरफुली इस्तेमाल करना है क्योंकि अगर आप इसको केयरफुल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम ना सिर्फ यह कि के इट कैन परफॉर्म बैड बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में चूंकि इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो ये काम ही करना छोड़ दे जैसा कि मैंने आपके से लेक्चर के शुरू में कहा था कि जो डी, -डी टेक्नोलॉजी है डेटा बेसिस के अंदर निष्पतन नहीं है और फिर यह है कि इसकी इतनी ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि बास फॉर्म्स के अंदर हम अभी तक इवन रिसर्च के अंदर रिक्वायर्ड लेवल ऑफ जो एक्सपर्टीज uh, है वो हासिल नहीं कर सके व्हाई? बिकॉज देर आर सर्टेन प्रॉब्लम एरिया डेफिनेटली अरसे से काम हो रहा है आज भी हो रहा है

ये तीनों टॉपिक हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इनके प्रॉब्लम उस वक्त हमारे सामने आएंगे ही लेकिन डाटाबेस डिजाइन जो है एज फार एज सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम का जो डिजाइन है वो तो इट हैज गेंड क्वाइट मच लेवल ऑफ ऑफ एफिशंसी और उसमें अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो कि आ, हम टैकल ना कर सकें हां यह जरूरत कि हम उस पर फर्दर इंप्रूवमेंट तो अभी कर सकते हैं क्योंकि जो रिसर्च का कभी क्लोज नहीं होता लेकिन जो सेंट्रलाइज के अंदर डिजाइन के इश्यूज हैं वो काफी हद तक रिजॉल्व हो चुके हुए हैं उसमें हमें ऐसा जितना प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम उसमें सर्टन इशूज हैं जो के अभी प्रॉब्लम है मिसाल के तौर पर हमें फ्रेगमेंटेशन में जो हमारी साइट्स हैं, उनको किस जगह प्लेस करना चाहिए अगर जैसे हमने अगर बैंक एग्जांपल में पूरे पाकिस्तान में हमें जो है वो साइट्स कहां कहां बननी चाहिए इसका एक प्रॉपर कंप्लीट साइंटिफिक सोल्यूशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अभी फुली रिजॉल्व नहीं हो सका इसी तरह अगर आप देखें क्यूरी प्रोसेसिंग है तो क्यूरी प्रोसेसिंग में फिर वही बात है चूंकि आपकी बाज क्यूरी के अंदर मल्टीपल साइट इन्वॉल्व है तो उस केस में कई ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं जो कि अभी पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुए मिसाल के तौर पे आप इसी एग्जांपल लेजिए हम कहते हैं कि हमें क्यूरी चाहिए ग्लोबल क्यूरी है कि तमाम ब्रांचेस पे कितने कस्टमर्स के पास एक करोड़ से ज्यादा का बैलेंस है अब जाहिर है कि अगर फ्रेगमेंटेशन हुई हुई है तो पांच साइड पर डाटा मौजूद है लट्स के चार से आपको डाटा मिल जाता है लेकिन पांचवीं से किसी वजह से लट्स सिस्टम डाउन या किसी और वजह से आपको डाटा नहीं मिला तो इस केस में सिस्टम को क्या करना चाहिए क्यूरी की नेचर क्या होगी इस तरह के इशूजक अनरिजॉल्व है ऐसे कंट्रोल ट्रोल सिस्टम में भी प्रॉब्लम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड केस में ये और भी प्रॉब्लम इसी तरह आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको कितनी सपोर्ट करेगा डी का इंप्लीमेंट करने में यह एक अपनी जगह इश्यू है और एक बहुत बड़ा इशू जो है वो हैट्रोजीनिटी है इसको भी हम इनशा तफसी से डिस्कस करेंगे लेकिन हेट्रोजीनिटी से यह मुराद है कि आपके पास मल्टीपल साइड्स इन्वॉल्व हैं तो इनमें अगर किसी भी लेवल का डिफरेंस आ जाए और मैं जब कहता हूं किसी भी लेवल का डिफरेंस तो उसमें बेतहाशा टाइप्स हैं कि वो किस तरह का डिफरेंस आ सकता है लेकिन उन डिफरेंसेस को मैनेज करना टू एस्टेब्लिश द कंपेटेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वो एक बहुत बड़ा इशू है डी टेक्नोलॉजी में आखिर में आप देखिए कि जो ये डायग्राम है ये आपको शो कर रही है रिलेशनशिप जो डिफरेंट इश्यूज के, के दरमियान है और इसमें से आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है चीज वो है डिस्ट्रीब्यूट डेटाविस डिजाइन क्योंकि इसका जो इंपैक्ट है या इस पे जो इंपैक्ट है बहुत सी चीजों का मिसाल के तौर तो पर अगर हम देखें तो जो डिजाइन है उसका इंपैक्ट जो है वो रिलायबिलिटी के ऊपर भी है उसका इंपैक्ट जो है वह डायरेक्टली मैनेजमेंट के ऊपर भी है और क्यूरी प्रोसेसिंग के ऊपर भी है और इसी तरह कंक्रसिव कंट्रोल के ऊपर है जो कंक्रेसिव कंट्रोल है वो इन्वॉल्व करती है डेड लॉक मैनेजमेंट वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है क्योंकि किस चीज का लिंक किसके साथ है डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर का वक्त अब खत्म हो चुका है आज हमने जो चीजें डिस्कस की है उनमें से यह है कि हम जो प्रामिसज हैं डी डी टेक्नोलॉजी के वो क्या हैं और ज़ाहिर है कि वो प्रामिसज ऐसे हैं कि जो के अट्रैक्ट करते हैं यूजर्स को टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी और जो इसके बेनिफिट्स को आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं फिर इसके अलावा हमने देखा कि कौन सी वो चीज़ें हैं कि जो के डी डी एनवायरमेंट को कम्प्लिकेट करती हैं और फाइनली हमने देखा वो क्या प्रॉब्लम एरियाज़ हैं जो कि डी डी टेक्नोलॉजी में हमें फेस करने पड़ते हैं और जो कि अभी पूरी तरह से रिजोल्व नहीं हुए हमारी जो ये डिस्कशन है इनशाला अगले लेक्चर में जारी रहेगी अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अल्लाह हाफिज